जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो जी जनाब, आज के सीन के शुरू हैं। हमने अबूतरा भाई की स्कूटी सी, जैसे कि आपको पता है, जो कि थक्की स्कूटी है, तो इसका नहीं अपना मसलन सा निकल आए थे। जैसे मीटर नहीं था चारा, एनएफसी कार्ड वगैरह बिल्कुल फारग हो गया सारा कुछ, रिवर्स बटन नहीं था चारा, ठीक है, ये बिल्कुल लूज हो गया था। अब इन्होंने पूरा ये सेटअप भी नया डाला, ये भी डाला है, और वारंटी के अंदर था, तो वेल एंड गुड काम हो गया। अब हम रात को लेकर आ रहे थे, बैटरी थोड़ी कम थी, झटका लगा और स्कूटी होगी बंद, ठीक है। अब उन्होंने मुझे बोला है कि अपने ये सारे स्क्रूज खोलो, ये डिग्गी बाहर निकालो, उसके बाद फिर आप प्लग वगैरह कोई है इस सॉकेट का वो आप लगा लो वापस। आप चलें, हम जरा इसको खोल लें, आधे बजादे इंजीनियर तो हम हैं। क्यों साइम भाई, ऐसे ही है ना? नहीं भाई, इंजीनियर तो हम हैं हल्के बुल्के। बल्कि एक मिनट, मैं क्यों काम कर रहा हूँ, तू कर चल। शाबाश, कर कर जल्दी कर, टाइम नहीं है, मसला कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं है ना। जल्दी करो भाई। तो जनाब अभी ये स्कूटी खुल जाएगी, तो उसके बाद फिर हम इसका काम शाम शुरू करते हैं। बाकी ये अपना वैनम खड़ा है, माशाल्लाह 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 ब्यूटी। लेकिन यार इसके फ्रंट से मैं सोच रहा हूँ कि वापस ना थोड़ा सा ड्रॉप किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर होके ना बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे। पर हाँ, ड्राइव में मज़ा आ रहा है, पर लुक्स में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। चलें कोई नहीं, हम तो वो भी लग गया, तो देख लेंगे कि हमने क्या करना है इस पर, क्या नहीं। खुल गया भाई, खुल गया भाई, और नहीं खोल रहा। हल ओए था इसको भाई बाइन का, वो गंदी चेक करो कितनी हो गई है। ओए सही में वो थ्री स्विच पकड़ी था, कर ऑन है ना, थ्री स्विच पकड़। तब तक मैं जरा इसके फ्यूज को देख लूं क्या मसला, बीमारी पड़ गई है। यही है यार, और क्या हो सकता है, ये मेरे ख्याल में यही है। जट सब लगाओ इसमें चार्जर। माशाल्लाह अभी गंदे हो गए क्या? नहीं चला भाई, ये पहले से हाथ कैसे हो रहा, चार्ज नहीं होता। हाँ जी, हाँ चले यार, मैं ना जरा जी फ्यूचर वाले की जो भाई है उनको हम कॉल करके पता कर लेते कि यार क्या मसला। जी तो बॉयज अभी इधर आ गए, ठीक है, एआरएस ट्रेडर्स पे, तो इधर से अब चेक करवाते क्या मसला इसमें, लेट्स सी। सोचा था बुतरा को वैसे ये वाली स्कूटी ले देते, ये ना ले देते। हाँ साईं भाई कह रहे हैं कि वैनम वाला उसके आगे हेडलाइट लगा हुआ, ले वक्री चवला। हाय हाय, ये भी एक खड़ा है साईं, जो तूने भी दिखाया वो ये वाला मॉडल भी नहीं है, इसमें भी TRL है यार। अब इनकी हम दूसरी वाली बैक साइड वाली ब्रांच पे आए, जो मेन ब्रांच है, इधर चेक करते हैं क्या हिसाब किताब इसका बनता है। यार इस पे बैठ के देखो, इलेक्ट्रिक हैवी बाइक यार, रियलिटी में छोटी साइज में, लेकिन सिटी पोस्टर इसका अच्छा है। क्या कहता है, हैं? बैठ के मजा तो आता है। उतर रहा मैं बैठूं, उतर चल उतर। अच्छा जी, तो यार इसमें अब हमें आ जाता है जी, ये जैसे आम जो बाइक्स में तो उस तरह है, ये आई इसके स्पीड मोड्स, जो कि मेरा नहीं ख्याल इस सेल्फ है, ये बस हमें शो के लिए है। इस साइड पे डिपर आ जाता है, ठीक है, इंडिकेटर आ जाते हैं जिसमें हमें इस तरह डबल इंडिकेटर भी चल जाएंगे, ये हमारा आ जाता है हॉर्न। इधर आ जाते कि मोटा बार एंड हैंडल डाला हुआ इसमें, और हाइड्रोलिक्स वाली ब्रेक्स हैं जो कि डिस्क ब्रेक्स हैं इसमें, और हल्का सा एक छोटा सा डिजिटल मीटर जो कि बड़ा प्यारा है आ जाता है। और जी अपना इसमें हमें ये वाला फ्यूल कैप मिल जाता है, जो कि फ्यूल कैप नहीं, सिर्फ
फेयरिंग में, ताकि एक ओरिजिनल बाइक को इन्होंने शेप देने की कोशिश की है। और रिम्स वगैरह ये देखो जी, इसे मोनोशॉक भी डला हुआ है और बैक से भी तकरीबन हैवी बाइक वाली इन्होंने लुक पूरी बनाने की कोशिश की है। ऑडी स्टाइल इंडिकेटर लगाए हैं और अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है बाइक भी। ये तो जनाब स्टेटिस पास हो गई है, अभी अल्लाह जाने कितना हुई है इसका मूविंग वगैरह। तो बाद अब इन्होंने ऊपर वाला कारपेट भी खोल दिया है, तो अब मुझे लग रहा है कि इसकी बैटरी स्पार्क हो सकती है, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो हाँ इसकी बैटरी स्पार्क है। ये अब इसका हेड है, ये हेड है। अच्छा ये सिंगल है, सिंगल सेंसर, ओके ठीक है। और बाकी कर सकते हैं अच्छा, वो कैसे? दो सेंसर हम लगा सकते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ये भी मतलब ये भी सिलेंसर के लिए ही है, दोनों सिलेंसर है। अगर हमें अगर ना लगाना तो इसको बंद करेंगे, बंद हो जाएगा, एक बंद हो जाएगा बाद में। हमने अगर हमने अगर फ्यूचर में लगाना हो उसके दोनों क्या लग जाएंगे, वो खोल देंगे फिर आवाज डबल हो जाएगी। अच्छा ये इसका हेड सिलेंडर, सिलेंडर इसके अंदर पिस्टन बैठेगा। तो शकील भाई अगर आप पिस्टन डाल रहे हो इसमें तो मुझे फिर रनिंग पूरी करनी पड़ेगी। नहीं रनिंग वाला पिस्टन है, रनिंग है, रनिंग हुई हुई है, हुई हुई है, पर पिस्टन तो रगड़ खाएगा ही ना। ये इसका टापा, कौन से ब्रांड का इंजन? बॉडी ओर ये बहुत बहुत ओके ठीक है, बाहर का ठीक है सर, मैंने कह दिया बॉडी ओर। हाँ जी जट साहब क्या तस्वीर आ रहे हैं, तबाही है, तबाही है यार, तबाही है। ये कैबिन कवर है, ये इसका बक्सा है, ठीक है, गरारी बक्सा, भगाने वाला क्लच प्लेट हो गया, ओके। ये अब इसका सामान ये आ गया, ये आ गया, और सेकंड नंबर पे ये पूरा ये इंजन है, और ये है। अच्छा मतलब ये अभी साफ हो रहा है, ठीक हो गया। नहीं पूरा कलर होएगा, तो कलर उतर नहीं जाएगा, नहीं बफ हो के बट्टी कलर होगा, बट्टी कलर नहीं उतरता होता। अच्छा वो आप पेट्रोल भी मार लो, थिनर भी मार लो, कलर नहीं उतरेगा आपका, तो बेस्ट है। इसी गाड़ी का इंजन है जो समीर भाई ने डालना है, यस ठीक है। अच्छा जी तो बॉयज यार अभी आपको मैंने जो थोड़ी देर पहले इंजन दिखाया है अपना, वो है जी 250 सीसी है, जो कि हमने वैनम में डालेंगे। अभी मैं शकील भाई के पास की पेमेंट वगैरह क्लियर करने आया था इसकी, तो अभी वो साफ़ करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह कुछ दिनों में हम डलवा लेंगे या कुछ महीनों में, एक दो महीने लग जाएंगे प्रोजेक्ट को मेरे। तो ये कौन सा इंजन है? ये चाइना का इंजन है। अच्छा अच्छा, इसकी प्राइस है तकरीबन 60,000। 60,000 अच्छा, तो ये सीन है यार, अब हम ये इंजन डलवाने लगे, ये 250 सीसी है, इंशाल्लाह इसको हम डालेंगे और जो ड्रैग्स वगैरह वो इंशाल्लाह मारेंगे। अच्छा जी तो बॉयज यार आपको मैंने इंजन वगैरह दिखा दिया, जो कि इंशाल्लाह वैनम में काफ़ी कुछ दिनों में डल जाएगा, और ये 250 सीसी इंजन है, और मेरी अब शकील भाई से बात वगैरह हो गई है, तो अब हम इसमें 250 सीसी का ही अपना पिस्टन है वो हम डालेंगे अपना, ताकि नया पिस्टन होगा, इंजन नई रनिंग पूरी करेगा, जिससे हमें लॉन्ग टर्म के लिए ईजी रहेगा काम, इंजन ज़्यादा देर तक चल जाएगा, हम जितना इसको खींचेंगे उतना ये खुल जाएगा, जो कि हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। वैसे पुराने वाला जो पिस्टन में डाला था वो उसमें भगाने वाला था, वो भी डल जाता, वेल एंड गुड था, बट उसकी कोई इतनी गारंटी नहीं थी कि कितनी देर तक वो चलता है। तो पिस्टन वगैरह डाल रहे हैं, ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह कुछ दिनों में इंजन भी मेरा मतलब मेरे हो जाएगा, बाइक में लग जाएगा अपना, वो भट्टी पेंट भी होना है, 3-4 दिन उसको लगेंगे अपना कुछ काम में, जो काम वगैरह उसके सेटबेट होने वाले हैं। तो पुराना इंजन है, काफ़ी पुराना मतलब इनके पास पड़ा हुआ, तो इस वजह से ये सीन है। बाकी कुछ यूँ आज का व्लॉग था, तो आई हो मेरी आज वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल बनाए हो चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, बाय।